7.62 mm SLR के साथ बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र और सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र। स्कर्ट सावधान, दूरस्थ सावधान स्थिति से आदेश मिलेगा। सलामी शस्त्र गिनती से एक। इस आदेश पर कार्यवाही इस प्रकार करें। दाहिने हाथ की मदद से राइफल को 90 डिग्री दाहिने कंधे की सिधाई में ऊपर की ओर उछालें और दोनों हाथों की मदद से राइफल को ग्रिप करें। बाएं हाथ से फॉरहैंड गार्ड पर, दाहिने हाथ से स्मॉल ऑफ द बट पर ग्रिप करें। स्कर्ट सलामी शस्त्र गिनती से एक। इस पोजीशन में देखने वाली बातें। राइफल 90 डिग्री दाहिनी बगल में खड़े रुख, बैरल की रुख ऊपर की ओर, बट नीचे की ओर, मैगजीन का रुख सामने की ओर, बाएं हाथ की पकड़ फॉर हैंड गार्ड पर, चारों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से गोल ग्रिप किया हुआ, कलाई से कोहनी तक बेल्ट के समांतर, कोहनी से कलाई बदन के साथ मिला हुआ, दाहिने हाथ की पकड़ स्मॉल ऑफ द बट पर, चारों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से कलम तराश पकड़ा हुआ। सलामी शस्त्र गिनती से दो। इस आदेश पर कार्यवाही इस प्रकार करें। दोनों हाथों की मदद से राइफल को बदन के बीचों बीच लेकर जाए। बाएं हाथ को अपनी जगह से छोड़ते हुए मैगजीन के ऊपर थपकी मारे। कलाई से कोहनी तक राइफल के साथ मिलाकर रखे। स्कॉट सलामी शस्त्र गिनती से दो। इस पोजीशन में देखने वाली बातें। राइफल 90 डिग्री खड़ा रुख, बदन के बीचों बीच मैगजीन का रुख सामने, बाएं हाथ से मैगजीन के ऊपर थपकी मारा हुआ। चारों उंगलियां अंगूठा मिला हुआ, अंगूठा ठीक कॉकिंग हैंडल के नीचे, दाहिने हाथ की पकड़ स्मॉल ऑफ द बट पर, चारों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से गोल ग्रिप किया हुआ, दाहिने हाथ की कोहनी बदन के साथ मिली हुई। सलामी शस्त्र गिनती से तीन। इस आदेश पर कार्यवाही इस प्रकार करें। दाहिने हाथ से राइफल को नीचे लाए और बाएं हाथ को अपनी जगह से छोड़ते हुए बाएं कंधे की सिद में सीधा करें। ध्यान रहे, चारों उंगलियां और अंगूठा मिला हुआ होना चाहिए और राइफल के फॉरहैंड गार्ड पर थप्पी मारते हुए गोल ग्रिप करें। साथ ही दाहिने पैर को 12 इंच ऊपर उठाते हुए बाएं पैर के पीछे चलती हालत में मिलाए। स्कर्ट सलामी शस्त्र गिनती से तीन। इस पोजीशन में देखने वाली बातें। दूरस्थ सलामी शस्त्र किया हुआ, राइफल 90 डिग्री खड़ी, मैगजीन का रुख सामने की ओर, बाएं हाथ से फॉर हैंड गार्ड पर, चारों उंगलियां बाहर से, अंगूठा बैरल की तरफ पॉइंट करता हुआ, कोहनी बदन के साथ मिली हुई, दाहिने हाथ की पकड़ स्मॉल ऑफ द बट पर, कलम तराश पकड़ा हुआ, दाहिने हाथ का बड़ा मसल्स निकला हुआ, दाहिना पैर बाएं पैर की एड़ी के साथ चलती हालत में मिला हुआ। स्कॉट बाजू शस्त्र गिनती से एक। इस आदेश पर कार्यवाही इस प्रकार करें। दाहिने हाथ को अपनी जगह से छोड़कर अपर सीलिंग कड़ी के पास मारते हुए ग्रिप करें और साथ ही दाहिने पैर को 12 इंच ऊपर उठाते हुए बाएं पैर की एड़ी के साथ सावधान स्थिति में मिलाएं।
स्कर्ट बाजू शस्त्र गिनती से एक। इस पोजीशन में देखने वाली बातें, दाहिने हाथ की पकड़ अपर सीलिंग कड़ी के पास गोल ग्रिप किया हुआ, दाहिना पैर बाएं पैर के साथ सावधान स्थिति में, बाजू शस्त्र गिनती से दो। इस आदेश पर कार्यवाही इस प्रकार करें, दाहिने हाथ की मदद से राइफल को दाहिनी बगल में ले जाए और बाएं हाथ को अपनी जगह से छोड़ते हुए फ्लैश हाइडर पर थपकी मारते हुए सीधा करें। राइफल जमीन से एक इंच ऊपर रखें। स्कर्ट बाजू शस्त्र गिनती से दो। इस स्थिति में देखने वाली बातें, राइफल 90 डिग्री दाहिनी बगल में खड़ा रुक, दाहिने हाथ की पकड़ अपर सीलिंग कड़ी पर कलम तराश ग्रिप किया हुआ, चारों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से पकड़ा हुआ, बाया हाथ फ्लैश हाइडर पर सपोर्ट किया हुआ, चारों उंगलियां अंगूठा मिला हुआ, दाहिने हाथ की तरफ पॉइंट किया हुआ, कोहनी से कलाई तक बेल्ट के समांतर, राइफल जमीन से एक इंच ऊपर। बाजू शस्त्र गिनती से तीन। इस आदेश पर कार्यवाही इस प्रकार करें, दाहिने हाथ की मदद से राइफल को जमीन पर टिकाए और बाएं हाथ को बाएं बगल में मिलाए। स्कर्ट बाजू शस्त्र गिनती से तीन। इस पोजीशन में देखने वाली बातें, सलामी शस्त्र से दूरस्थ बाजू शस्त्र किया हुआ, बाकी स्थिति SLR के साथ सावधान। स्कर्ट साफ।